जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इतना भी बड़ी नहीं कि फिल्म देखते वक्त मैं अपने कपड़े गिली कर ली आंसू साफ करते करते। वेलकम बैक बॉलीस विद मनीष। आज की फिल्म सलाम वैंकी। फिल्म फोकस करती है सुजाता और वैंकी पर, माँ और बेटे पर। थोड़ा स्पॉइल दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट भी है। वैंकी को मसल डिसऑर्डर है। जब वैंकी का जन्म हुआ था तब डॉक्टर बोला था ऐसे बच्चों की 15 से 16 साल तक ही लाइफ होती है, लेकिन वैंकी 24 साल तक जिंदगी जीता है। और एक दिन उसका तबीयत खराब हो जाता है, तब वैंकी को मालूम पड़ता है उसका जिंदगी का एंड बहुत करीब है। इसलिए वैंकी चाहता है उसका जो ऑर्गन्स है वो परफेक्ट है, वो किसी को डोनेट करके वो दुनिया से अलविदा गया है। इसके लिए वैंकी को चाहिए परमिशन टू डाई। इसलिए वैंकी अपने मम्मी सुजाता से रिक्वेस्ट करती है, धीरे धीरे करके अपने मम्मी को मना भी लेती है। लेकिन सुजाता सोचती है मेरा बेटे की जिंदगी कल एंड है, लेकिन किसी का जिंदगी तो सवार सकती है। कोर्ट में रिक्वेस्ट करना परमिशन टू डाई, मेरा ऑर्गन्स किसी को डोनेट करना, उसका जिंदगी सुधर जाएगा, ये इंडिया में अभी तक अलाउड ही नहीं है। सो फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद लॉयर भी मिल जाता है कोर्ट में केस लड़ने के लिए। और आगे क्या क्या होगा उसके लिए आपको पूरा फिल्म देखना होगा। फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इस फिल्म का एक्टर्स, काजल, विशाल जेठवा, राहुल बोस, राजू खंडेलवाल, प्रकाश राज, ब्ला ब्ला, बहुत सारे एक्टर्स जो अपना परफॉर्मेंस ना मजा आ गया, दिल छू लिया। और काजल एक माँ के अवतार में देखना, अपने बेटे को डेली मरते हुए देखना, अपने बेटे के मौत के लिए कोर्ट में लड़ना, डेली आंसू को छुपाना, पी जाना उसे, जिस तरह से वो किरदार को परफॉर्मेंस मेंटेन करते गए, अभी भी अंदर क्वीन जैसा चीज होता है ना, वो चीज के छुपा और रुस्तम जैसा छुपा हुआ है यार। विशाल जेठवा के बारे में क्या बोलूं यार, मर्दाना टोक्यो नेगेटिव किरदार से एक पॉजिटिव रोल में और एक पॉजिटिव डिफरेंट रोल में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया भाई, बोल दिया नया सुपरस्टार का लाइन में हम भी खड़े हैं। फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको अंदर ही अंदर सैड फील कराएगा कि शायद अभी वैंकी का मौत हो जाए। और बीच बीच में इंटरेस्टिंग मोमेंट भी आएगा, एक पॉइंट तो ऐसे भी आया जब वैंकी शाहरुख खान का डायलॉग बोलकर सबको हंसाने की कोशिश भी करेगा। और फिर स्टोरी जब वैंकी हॉस्पिटल से कोर्ट रूम तक चला जाएगा तब आपके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ भी जाएगा कि आपके अंदर ही सोच रहेगा वैंकी को परमिशन मिलेगा या फिर नहीं। और साथ ही साथ थोड़ा स्लो फील भी करेगा, जो पहले वैंकी के ऊपर फोकस था पूरा, अभी कोर्ट रूम, फिर मीडिया, फिर उसके बाद राहुल बोस और प्रकाश राज की एंट्री होगा, सब में घूमते रहेगा। मेरा ओपनिंग है हिसाब से बोलूं तो फिल्म का फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ अच्छा है, नॉट बैड, लेकिन क्लाइमेक्स में थोड़ा सा स्लो फील करेगा। इसका म्यूजिक, इसका बीजीएम ठीक ठाक है, नॉट बैड, लेकिन फिल्म के अंदर 6-6 गाना डाला गया है, इसको थोड़ा कम किया और भी इंगेज हो जाता। फिल्म के अंदर आमिर खान का छोटा सा कैमियो है, जो मैं ट्रेलर में भी बोला था ये फिल्म का स्टोरी को द हुरा बुक से उठाया गया। रविति जी का डायरेक्शन अच्छा है, नॉट बैड, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग टॉपिक में फिल्म लेके आते हैं। ऐसा फिल्म फैमिली के साथ वन टाइम वॉच कर ही सकते हो और देखना भी चाहिए ऐसा फिल्म फैमिली के साथ, कहाँ मौका मिलेगा ऐसे फिल्म। इनमें थोड़ा बहुत निराश हो सकते हो लेकिन मजा जरूर आएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, फिर सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलेंगे ना किसी और वीडियो मूवी रिव्यू के साथ। बाय बाय।